today we are going to learn something new, and that is may and might. What we are going to learn? May and might. What happens? It is really very difficult for some people to speak may and might. Let's start. Kya? Let's start. देखिए, अगर हम किसी काम के लिए बताएं कि मैं ये काम करूंगा, तो बहुत आसान सा तरीका है, ये हम जानते हैं, आई विल एक्शन. क्या बोलेंगे? एक्शन की जगह पे वो एक्शन लगा देंगे जिस एक्शन की बात हो रही है. जैसे मैं आज पार्टी अटेंड करूंगा, कैसे बोलेंगे? आई विल अटेंड पार्टी. मैं आज मूवी देखूंगा, कैसे बोलेंगे? मैं आज क्रिकेट खेलूंगा, कैसे बोलेंगे? अगर मना करना चाहूं कि मैं आज पार्टी नहीं अटेंड करूंगा, कैसे बोलेंगे? I will not attend party. क्या बोलेंगे? देखिए, अगर आप किसी काम के लिए कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, तो आप एक ही कंडीशन में कहते हैं जब आप उस काम को लेके 100% श्योर होते हैं. Got it? तो आप क्या करते हैं? आप क्या बोल देते हैं? मैं काम करूंगा, I will action. क्या बोल देते हैं? ठीक है. तो जैसे अगर कभी मना भी करना हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट एक्शन. क्या बोलेंगे? आपने बोला भाई आज मैं पार्टी नहीं अटेंड करूंगा, आई विल नॉट अटेंड पार्टी. क्या बोलेंगे? आप चाहे कहें कि मैं पार्टी अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड पार्टी, चाहे मना करें, आई विल नॉट अटेंड पार्टी, दोनों ही कंडीशन में आप कैसे हैं? श्योर हैं. गॉट इट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप फ्यूचर में हर काम को लेकर श्योर होते हैं? क्या आप हर काम को लेकर कह सकते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा? बहुत सारे कामों को लेके श्योर होते हैं, कोई बात नहीं, आपने क्या किया? विल का यूज कर लिया, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन. लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें लेके हम श्योर नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मुझसे पूछना चाहें कि सर आज आप डिनर करोगे, विल यू टेक डिनर? क्या बोलेंगे? तो डिनर को लेकर मैं बोल दूंगा यस आई विल टेक डिनर. क्या बोलेंगे? क्योंकि इस चीज को लेकर मैं 100% श्योर हूं. लेकिन मैं डिनर में क्या खाऊंगा, क्या ये मैं बता सकता हूं आपको? अगर यही आप मुझसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर व्हाट विल यू टेक फॉर डिनर, तो मैं कैसे बोलूं? आई विल टेक दाल चावल, आई विल नॉट टेक दाल चावल. क्या मैं ऐसे बोल दूंगा? डिनर को लेके श्योर हो सकता हूं क्योंकि मुझे भूख लगेगी और मैं डिनर करूंगा पक्का पक्का. लेकिन क्या मैं डिनर में लूंगा, इसे मैं कैसे बता दूं कि भाई मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा? कुछ लोग बता सकते हैं, मैम बता सकती हैं कि डिनर में मैं ये खाऊंगी, क्योंकि वो डिनर बनाने वाला काम उनका ही है. मुझे कैसे पता मैं क्या खाऊंगा? तो कई बार लोग आपसे फ्यूचर में क्वेश्चन कर लेंगे, भाई ये काम करोगे, तो वहां आप पक्का पक्का नहीं बता पाते. जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन कर लिया व्हाट विल यू टेक फॉर डिनर, तो मैं यहां नहीं बता पा रहा कि सर मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा. तो कई बार आप फ्यूचर में श्योर नहीं होते हैं. क्या नहीं होते? श्योर होते तो आप बोल ही देते हैं आई विल डू दिस, आई विल नॉट डू दिस. तो जब आप श्योर नहीं होते हैं, तो वहां एक काम कर सकते हैं आप. क्या कर सकते हैं? कम से कम उस काम को लेकर संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं. और जब कभी भी आप किसी काम को लेकर संभावना व्यक्त करें, पॉसिबिलिटी व्यक्त करें, तो वहां हम दो ग्रामर लगाते हैं, मे माइट. क्या लगाते हैं? अभी मे कहां लगाना होता है, माइट कहां लगाना होता है, इसे समझ लो. अगर कोई काम करने की संभावना ज्यादा रहे, तो वहां लगा दो मे. क्या लगा दो? अगर कोई काम करने की संभावना बहुत कम रहे, न के बराबर रहे, तो वहां लगा दो माइट. क्या लगा दो? इज इट क्लियर? तो हमें किसका यूज करना है? मे माइट. तो मे किसके लिए? मोर पॉसिबिलिटी. किसके लिए? माइट किसके लिए? लेस पॉसिबिलिटी. किसके लिए? तो व्हेन यू टॉक वर्ड फॉर मोर पॉसिबिलिटी वी यूज मे, व्हेन यू टॉक वर्ड लेस पॉसिबिलिटी वी यूज माइट. इज इट क्लियर? तो यहां सेंटेंस कैसे बनेगा? I may action. क्या बनेगा? I might action. क्या बोलेंगे? और यहाँ action की जगह पर action लगा सकते हैं जिस किसी action की बात हो रही है. For example, आपने पूछा कि भाई आप सर आज आप पार्टी अटेंड करोगे, विल यू अटेंड पार्टी? क्या बोलेंगे? अब इस के बारे में थोड़ा माहौल पे ध्यान दूंगा कि भाई पार्टी अटेंड करूंगा कि नहीं करूंगा. देखा कि घर में ज़्यादातर पार्टी अटेंड करने वाला काम मेरा ही है, ज़्यादातर मैं ही अटेंड करता हूँ. किसी का भी निमंत्रण आए, घर वाले मुझे ही भेज देते हैं. अब ऐसा भी नहीं कि हर बार मुझे ही भेजते हैं, एक आध बार छोटे को भी भेज देते हैं. लेकिन ज़्यादातर कौन जाता है? मैं ही जाता हूँ. और आपने मुझसे पूछ लिया सर विल यू अटेंड पार्टी, तो मैं आपसे कहूँगा भाई मैं श्योर तो नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर. क्या बोलेंगे? लेकिन हो सकता है आए. क्या बोलूँ मैं? आई मे अटेंड पार्टी या आई माइट अटेंड पार्टी? आई मे अटेंड पार्टी. क्या बोलूंगा मैं? अच्छा, मैं क्यों बोला? क्योंकि ज्यादातर इस काम को मैं करता हूं, तो ज्यादातर जब मैं इस काम को करता हूं, तो ऑब्वियसली इस काम को करने की जो संभावना होगी वो मेरे द्वारा ज्यादा ही होगी.
और जब ज्यादा पॉजिटिविटी की बात करें तो क्या लगा रहे हैं हम मे, तो आई मे अटेंड पार्टी, क्या बोलेंगे? ऐसे हम कई बार माइट का भी यूज कर लेते हैं, जैसे मान लो आपने पूछा कि भाई पार्टी अटेंड करोगे, विल यू अटेंड पार्टी, क्या बोलेंगे? अब मुझे पता है कि घर में पार्टी अटेंड करने वाला काम पापा का है, मेरा नहीं है। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि वो मुझे भेज दें। और आपने क्वेश्चन किया मुझसे, सर विल यू अटेंड पार्टी, तो जब मैं इस काम को करता ही नहीं तो मेरे द्वारा ये काम करने की संभावना ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ऑब्वियसली कम ही रहेगी। तो मैं यहां क्या बोलूंगा? आई एम माइट अटेंड पार्टी, क्या बोलेंगे? सिंपल सा है। जब कभी लगे कोई काम करने की संभावना ज्यादा है तो मैं लगा दो, और जब कभी भी लगे कोई काम करने की संभावना न के बराबर है तो वहां लगा दो माइट। एक और एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं बरसात के बारे में। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, वेदर इज वेरी फैंटास्टिक, क्या बोलेंगे? इट्स वेरी प्लेजेंट, क्या बोलेंगे? तो अब जब ऐसा है, साथ साथ ये बादल भी हो रहे हैं, तो बादल हो रहे हैं से अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इट इज क्लाउडी, क्या बोलेंगे? यही अगर धूप हो रही है तो कैसे बोलेंगे? यही अगर कोहरा हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इट इज फॉगी, है ना? ऐसे अगर बादल हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इट्स क्लाउडी। ऐसे हवा चल रही है तो क्या बोलेंगे? इट्स विंडी, क्या बोलेंगे? तो फिलहाल तो बादल हो रहे हैं, इट्स क्लाउडी, क्या बोलेंगे? है ना? कुछ तो लोग पूछ ले, अब लोग कुछ भी पूछ लेते हैं। अब देखिए, आप अगर अंग्रेजी से रिलेटेड कुछ पूछते हैं तो समझ में आता है, कुछ तो ये भी पूछ लेते हैं, सर ये बताओ मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। अब ये चीज मैं कैसे जानता हूं? ठीक, ऐसे ही मान लो सर ने क्वेश्चन कर लिया कि सर आज बरसात होगी, विल इट रेन टुडे, क्या बोलेंगे? कर ही लेते हैं आपने में आपस में क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह दूं भाई साहब बरसात होगी आज, इट विल रेन, कह दूं ये चीज? मुझे क्या पता बरसात होगी या नहीं होगी, मना कर दूं इट विल नॉट रेन, इसके लिए भी नहीं बोल सकता। मतलब मैं श्योर नहीं उस काम को लेके कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो बस क्या करूंगा, यहां मैं संभावना तो कर ही सकता हूं, पॉसिबिलिटी तो व्यक्त कर ही सकता हूं। देखा कि बादल हो रहे हैं तो बरसात होने की संभावना ज्यादा या कम है? ऑब्वियसली मोर है, यस। तो आप ज्यादा मत बोला करो, आप मोर बोला करो, ठीक है? तो अब जब मैं यहां जो पॉसिबिलिटी है बरसात की कैसी है? मोर एंड लेस, ऑब्वियसली। तो यहां कौन सी ग्रामर लगाऊं मैं? ऑब्वियसली। तो मैंने, आपने पूछा, मान लो मैंने पूछ लिया विल इट रेन, तो आप क्या जवाब देंगे? इट, वेरी गुड, इट मे रेन, क्या बोलेंगे? देखा कि यही कोई बादल बादल नहीं हो रहे, साफ सुथरा मौसम है, यस धूप निकल रही है, इट इज क्लाउड, इट इज सनी, क्या बोलेंगे? धूप निकल रही है तो कैसे बोलेंगे? इट इज सनी। और ऐसे में अगर आप आके पूछ लो सर विल इट रेन, क्या बोलेंगे? अब धूप निकल रही है तो इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है, वैसे ये बात सही है कि धूप निकल रही है तो बरसात नहीं होगी, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि धूप मतलब बरसात नहीं हो। कई बार ऐसा भी होता है कि धूप निकल रही है, कहीं कोई बादल नहीं है, फिर भी बरसात होने लगती है, तो आप मना नहीं कर सकते इट विल नॉट रेन। मेरी बात समझ में आ रही है? मना नहीं कर सकते, लेकिन यहां बरसात होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो मोर है या लेस है? लेस है, तो क्या बोलूंगा?